गुड मॉर्निंग क्लास फोर। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकालिए, पाठ आठ खोल लीजिए। पाठ आठ खोल लीजिए। पाठ आठ है विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो चलिए हम एडजेक्टिव आज पढ़ेंगे। मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। अनन्या को पशु पक्षी से बहुत लगाव है। एडजेक्टिव यानी विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले को। तो चलिए देखिए पढ़ते हैं। अनन्या को पशु पक्षी से बहुत लगाव है। उसके पास पालतू कुत्ता, चार मुर्गियाँ और एक तोता है। उसके कुत्ते का नाम टफी है जिसका रंग भूरा है। तोता जालीदार पिंजरे में रहता है तथा हरी मिर्च खाता है। मुर्गियों के सिर पर लाल कलगी है। वह मुर्गियों को दाने तथा ताजी ताजी मटर खाने को देती है। अनन्या को देखते ही टफी अपनी रोएदार पूंछ हिलाने लगता है। उपरोक्त गद्यांश में रंगीन शब्द जैसे बहुत, पालतू, चार, एक, भूरा, जालीदार, हरी, लाल, ताजी ताजी और रोएदार संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो देखो यहाँ जो दिया है बहुत, तो क्या है? पशु पक्षी जो संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है। पालतू, उसके पास पालतू कुत्ता है। जो पालतू है वो उसकी विशेषता बता रही, कुत्ते की विशेषता बता रही। कुत्ता क्या है? पालतू है। चार, उसके पास कितनी है मुर्गियाँ? चार। एक तोता है जिसका रंग टफी, जिसका कुत्ता, उसका रंग किस कलर का है? भूरा। तोता जालीदार पिंजरे में रहता है। तो उसका जो विशेषता क्या बता रहा है? जालीदार पिंजरे। वह जो चिड़िया हैं वो ताजी ताजी मटर खाने को देती है चिड़िया को, दाने तथा ताजी ताजी मटर। तो ताजी ताजी जो है वो क्या हो गया? विशेषण। देखते ही टफी अपने रोएदार, जो टफी का जो उसके कुत्ते का रोएदार पूछ है वो हिलाने लगा। तो जो रोएदार है वो क्या हो गया? विशेषण। उपरोक्त गद्यांश में रंगीन शब्द जैसे बहुत, पालतू, चार, एक, भूरा, जालीदार, हरी, लाल, ताजी ताजी और रोएदार संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। उदाहरण, अब एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं। कितना लगाव, अब कोई पूछा कितना लगाव है तो क्या हो गया इसका? बहुत लगाव। तो बहुत क्या हो गया? विशेषण। कैसा कुत्ता, पालतू कुत्ता, तो पालतू क्या हो गया? विशेषण। कितनी मुर्गियाँ, अब कितनी मुर्गियाँ थी उसके पास? चार मुर्गियाँ, तो चार क्या हो गया? विशेषण। मुर्गियाँ क्या है? ये संज्ञा है। अभी संज्ञा का ही क्या बता रहा है? विशेषण। उसके पास कितनी मुर्गियाँ हैं? चार। कितने तोते, तोता संज्ञा हो गया, कितने हैं? एक। कैसा रंग, रंग कैसा है कुत्ते का? भूरा। कैसा पिंजरा, जालीदार पिंजरा। कैसी मिर्च, हरी मिर्च। कैसी कलगी, लाल कलगी। कैसी मटर, ताजी ताजी मटर। कैसी पूछ, रोएदार पूछ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये आपको आया समझ में? मैंने अभी आपको पढ़ाया कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको सर्वनाम पढ़ाया था। जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा के शब्द की जगह पर जो शब्द यूज होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। आइए नेक्स्ट पेज पे। विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जैसे हरा, विशेषण अमरूद, विशेष। अमरूद किस कलर का होता है? हरा कलर का। और अमरूद और हरा, सॉरी हरा और अमरूद कौन कौन विशेषण है, कौन विशेष है? तो हरा विशेषण हो गया, क्योंकि अमरूद की विशेषता बता रहे हैं कि अमरूद हरे कलर की। अमरूद क्या हो गया? विशेष। ताजी विशेषण, सब्जियाँ विशेष। विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक,
परिणामवाचक, सर्वनामिक वाचक। तो पहला गुणवाचक विशेषण, जिसकी गुणता बताई, जिसकी क्वालिटी बताई जाती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप तथा अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बगीचे में लाल फूल खिले हैं, तो इसका गुण फूल किस कलर के खिले हैं, लाल। अच्छिता बुद्धिमान लड़की है, तो बुद्धिमान उसके क्या, लड़की के क्या विशेषता बता रहा है, बुद्धिमान। उसका क्या बता रहा है, लड़की की गुण बता रहा, क्वालिटी बता रहा है कि कैसी है, बुद्धिमान है, तेज है। इन वाक्यों में लाल और बुद्धिमान शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताती है, संख्या का बोध करता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कितने तोते हैं, पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं, मैंने दुकानदार से कुछ फल लिए, तो तोते की संख्या क्या है, 3। इस लड़के ने कितने फल लिए, कुछ फल लिए, यानी संख्या बता रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक। इन वाक्यों में 3 और कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, परिणाम वाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल का पता चले उन्हें परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। इसमें मापतौल होता है, इसमें संख्या नहीं होती, इसमें क्या होता है, मापतौल। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़े दे दो, मुझे थोड़ा दूध दे दो, देखो यहाँ मीटर आ रहा है, माप तो मापा जा रहा, तोला जा रहा, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर, यहाँ मापतौल जिया तोला जा रहा, लेकिन यहाँ संख्या का पता नहीं चला कि कितनी संख्या है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परिणाम वाचक विशेषण। इन वाक्यों में 2 मीटर और थोड़ा शब्द परिणाम वाचक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे घड़ी बड़ी सुंदर है, घड़ी की विशेषता क्या, वह घड़ी सुंदर है, वह इस लड़के वाले वह जो घड़ी है सुंदर है, यह मेरा बस्ता है। इन वाक्यों में वह और यह शब्द सर्वनामिक विशेषण हैं, अब तक हमने क्या सीखा, इसे पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक वाचक। तो ये हमारे अभ्यास था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, विशेषण, इसे आप पढ़िएगा, समझिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।